जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे ही नवरात्र शुरू होने वाला होता है, हर इंसान की एक ही समस्या कि यार व्रत के दौरान यानी व्रत में क्या खाएंगे, किस चीज का फलाहार करेंगे, कब करेंगे और भोजन कब करेंगे, कितने टाइम भोजन करेंगे, ये सारी ही समस्या इंसान को होने लगती है। कोई ये नहीं सोचता कि नवरात्र में पूजा पाठ कैसे करेंगे, कोई ये नहीं सोचता कि माता रानी को कौन सा भोग लगाएंगे, कोई ये भी नहीं सोचता कि हम इस दौरान कौन सा पाठ या कौन सी चालीसा पढ़ेंगे, कोई ये भी नहीं सोचता कि माता रानी के दरबार में कौन सा भजन गाएंगे। कुछ लोग तो नवरात्रि का इंतजार ही इसलिए करते हैं कि उनको गरबा महोत्सव में जाने का मौका मिले, मौज मस्ती करने का मौका मिले। और इसी वजह से हिंदू धर्म में लोगों की आस्था कम होती जा रही है और लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और व्रत और त्योहार या कोई भी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के क्या सिद्धांत है, क्या रीजन है, उनको ध्यान रखना है, ना कि हमें मौज मस्ती करने के लिए इन चीजों को मनाना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवरात्र में व्रत कैसे किया जाए या नवरात्र के दौरान आप किन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, किन चीजों को फलाहार कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि उपवास कैसे रखें या व्रत कैसे रखें। तो हमारे भारत देश में हर इंसान अपनी तरीके से व्रत रखता है। कोई पूरे 9 दिन तक कुछ भी नहीं लेता और पूरे 9 दिन निराहार रहकर व्रत करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फलों के ऊपर यानी कुछ फल खाते हैं और पूरे 9 दिन तक कोई ना कोई फल खा के ही वो अपने व्रत को रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम का व्रत रखते हैं, मतलब एक टाइम फलाहार करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, और दूसरे टाइम कुछ भी खा लिया, इस प्रकार से रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों टाइम खा के भी रखते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि व्रत का कतई मतलब नहीं होता है कि भूखा रहना। व्रत का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, नियमबद्ध आचरण। उपवास के द्वारा आप अपने पेट संबंधी सभी विकारों को दूर कर सकते हैं। उपवास के द्वारा आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ यानी इंटरनल पावर को बढ़ा सकते हैं। उपवास के द्वारा ही आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इस कारण व्रत रखे जाते हैं, ना कि भूखे रहने के लिए। वैसे भी आपको पता है कि बिना शक्ति के भक्ति नहीं हो सकती, मतलब आप अगर किसी की भक्ति करते हैं तो उसके लिए शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी, और शक्ति कब मिलेगी, जब आप कुछ खाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि भूखा रहना उतना जरूरी नहीं है जितना कि श्रद्धा रखना। तो आप अपनी श्रद्धा और शक्ति से जिस तरह का भी व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप नियम का यानी पूजा पाठ और आरती का नियम जरूर पालन करेंगे। अगर आप एक कामकाजी इंसान हैं, मतलब आप कोई जॉब करते हैं, चाहे आप लेडी हो या जेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो जाहिर है कि सुबह आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप पूजा पाठ या सब कुछ करें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पहले उठ के आप कम से कम जहाँ पर आपने देवी जी की प्रतिमा रखी है या देवी जी की फोटो चित्र कुछ भी रखा है, वहाँ की थोड़ी सी साफ सफाई करके अगरबत्ती या दिया लगा के जरूर जाएं। और शाम की आरती पूजा का आप बिल्कुल निश्चित तौर पर एक निश्चित समय बना लें कि इसी टाइम पे हमें आरती पूजा करना है। चलिए बात करते हैं कि नवरात्र में यानी नवरात्र के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि इस दौरान या कोई भी व्रत में सभी लोग आलू या साबूदाने से निर्मित या साबूदाने से बनी हुई चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब या तो वो साबूदाने की कोई चीज़ बना के खाते हैं या फिर वो आलू मिक्स करके उसमें खाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए इन चीज़ों से आप जितना बच सके उतना ही अच्छा रहेगा और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि ये वैसे भी गलिष्ठ भोजन है। दूसरा ये कि आप इस दौरान यानी नवरात्र के दौरान तेल, घी और मक्खन का अत्यधिक सेवन से भी बचें क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है अगर आप व्रत के दौरान इन चीज़ों को ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर ये नहीं खाना है तो फिर क्या खाएं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि खाएं क्या आखिर, क्योंकि हम खाने के लिए तो व्रत करते हैं। ऐसा कुछ लोग करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग खाने के लिए व्रत करते हैं। तो अगर आपको खाना ही है तो आप मोर धान की कोई चीज़ बना के खा लिए, आप उसका हलवा बना के खा सकते हैं, नमकीन हलवा, या फिर आप उसको मीठा हलवा बना के भी खा सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे भी अच्छी चीज़ बताता हूँ, उससे भी अच्छी चीज़ है राजगिरा।
राजगिरा की बनी हुई कोई सी भी चीज, चाहे हलवा बनाइए, पट्टी बनाइए, कुछ भी बहुत सारी चीज बनती है उसकी, तो आप राजगिरा का भी खा सकते हैं। उसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, ऐसी बहुत सी चीज होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। और एक बहुत जरूरी चीज, आप अपने आहार में दूध को जरूर जरूर शामिल करें, क्योंकि दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप फल तो खा ही सकते हैं, फल तो कोई सा भी हो अच्छा ही होता है, तो इन सब चीजों के अलावा आप फल भी ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि हमें कब खाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दिन भर अपना काम में लगे रहते हैं, जो भी करना उसको करते हैं, शाम के टाइम भोजन मस्त करके सो जाते हैं। ये सबसे खराब बात है, क्योंकि आपने दिन भर, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं उस समय आपको एनर्जी की जरूरत होती है, उस समय आप भूखे रहते हैं, और रात में जब आपको सोना होता है उस समय आप भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं, तो ये गलत आदत है। आप क्या करिए, दिन में भोजन करिए, भोजन करना या फलाहार करना जो भी आपको करना है वो दिन में करें, और रात में बिना खाए सोइए। उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।